आज हमने डिस्कस करना था बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस को। लास्ट लेक्चर में हमने ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव बैक्टीरियल सेल के डिफरेंसेस देखे थे, तो हमने डिफरेंट उसमें टर्म्स पढ़ी थी। हमने कहा था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में वो डिस्कस करेंगे। तो बैक्टीरियल सेल सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में की अगर बात करें तो उसमें डिफरेंट उसके स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स थे, जिसमें उस कैप्सूल था, फ्लैजिला था, पिलाई थे, ठीक है। उसके अलावा जो है वो उसका मीजोजोम्स थे, राइबोजोम्स थे, साइटोप्लाज्म था, सेल मेम्ब्रेन थी। तो उस सब का आज हम थोड़ा फंक्शन डिस्कस करेंगे और स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे कि उसके स्ट्रक्चर में क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले अगर बात करें फ्लैजिला की, ये आपको सिर्फ मैं की पॉइंट्स बता रहा हूँ, आगे हम इसको डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते जाएंगे। फ्लैजिला की अगर बात करें तो इसका फंक्शन जो है ये मूवमेंट है, ठीक है। ये बैक्टीरिया की मूवमेंट में हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। और अगर इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो ये प्रोटीन इन नेचर होता है। सेकंड नंबर पे पिलाई है। पिलाई जो है ये सेक्स प्लस पीस को कहते हैं, ठीक है। ये डीएनए ट्रांसफर में हेल्प करते हैं। जब कंजुगेशन होती है, बैक्टीरियल सेल्स जो है मिलते हैं, आप इसमें मैटिंग करते हैं, तो उस दौरान ये डीएनए ट्रांसफर में जो है वो हेल्प कर रहा होता है। और इसकी भी केमिकल कंपोजिशन जो है वो प्रोटीन इन नेचर होता है। ये थर्ड है फिमरी है। फिमरी जो है ये अटैचमेंट में हेल्प करता है किसी भी बैक्टीरिया को डिफरेंट सर्फेसिस के साथ, ठीक है। और इसके साथ ये प्रोटेक्शन करता है अगेंस्ट फैगोसिटिक जो इनगल्फमेंट होती है उसकी, फैगोट्रॉफिक इनगल्फमेंट की। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हमारा डिफेंस सिस्टम का सेल हमारी बॉडी का इनगल्फ करने आता है बैक्टीरिया को, तो ये उसके अगेंस्ट भी बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। और इसकी केमिकल कंपोजिशन भी प्रोटीन इन नेचर है, लेकिन मेन फंक्शन जो फेमरी का भी है वो अटैचमेंट टू दी सर्फिसेज है। नेक्स्ट बात करें तो कैप्स्यूल आता है। कैप्स्यूल जो है ये स्लाइम लेयर और ग्लाइकोकैलिक्स इसमें इंक्लूड होते हैं। कैप्स्यूल का भी काम अटैचमेंट टू सर्फिसेज है, और ये प्रोटेक्शन करता है डिफरेंट फैगोसिटिक इनगल्फमेंट से। डिफरेंट इनगल्फमेंट होती है जो डिफेंसिव सेल्स हमारी बॉडी के WBC फैगोसिटिक सेल्स बैक्टीरिया की इनगल्फ कर लेते हैं, उसको खा लेते हैं, उससे जो है प्रोटेक्ट कर रहा होता है, क्योंकि स्लाइम लेयर होता है, स्लिपरी होता है, ये उसे बचा लेता है। और इसकी केमिकल कंपोजिशन जो है वो पॉलीसेक्राइड इन नेचर होता है, ठीक है। लेकिन पॉलीपेप्टाइड भी इसमें बाद बाद जो है वो। फिर नेक्स्ट जो है वो सेल वॉल है। सेल वॉल हमने डिस्कस किया था कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होती है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंट होती है, ठीक है। उसकी कंपोजिशन डिफरेंट है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में अगर हम बात करें तो सेल वॉल क्या करती है, ऑस्मोटिक लाइसिस से सेल को प्रिवेंट करती है, ठीक है। ऑस्मोटिक लाइसिस मींस अगर सेल ऐसी एनवायरनमेंट में है जहाँ पे वाटर बहुत ज्यादा है, तो वाटर सेल के अंदर आ जाएगा और बर्स्ट हो जाएगा। ये उस चीज से और सेकंड ये काम क्या करती है कि उसकी शेप को जो है रिजिडिटी देती है, ठीक है, स्ट्रेंथ देती है सेल की शेप को। और केमिकल कंपोजिशन की अगर बात करें तो ये पेप्टाइडोग्लाइकेन होती है, ठीक है, जिसमें टिकोइक एसिड भी प्रेजेंट होते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेन कॉम्प्लेक्स विद टिकोइक एसिड। नेक्स्ट हम बात करें तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल जो होती है, उसकी सेल वॉल हमने कहा था कि पेप्टाइडोग्लाइकेन बहुत उसमें कम होती है, लेकिन इसमें भी जो फंक्शन होता है उसका एक ही होता है कि ऑस्मोटिक लाइसिस से सेल को बचा रही होती है और रिजिडिटी दे रही होती है उसकी शेप को। और इसमें सेल वॉल के साथ आउटर मेम्ब्रेन भी अटैच होती है, ठीक है, जो कि लिपोपॉलीसेक्राइड और प्रोटीन इन नेचर होती है। फिर इसकी अगर कंपोजिशन की, केमिकल कंपोजिशन की बात करें
तो ये पेप्टाइडोग्लाइकेन होती है जिसमें फास्फोलिपिड प्रोटीन लिपोपोलीसेक्राइड जो है इससे सराउंडेड होती है। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकेन सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन होती है और इसके आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो भी इसमें प्रेजेंट होती है साथ। नेक्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमियबिलिटी बैरियर का काम करती है किसी भी बैक्टीरियल सेल में। परमियबिलिटी बैरियर का काम ये कैसे करती है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट्स, एनर्जी जनरेशन का काम करती है। ठीक है, और लोकेशन न्यूमरस एंजाइम सिस्टम्स होते हैं इसमें। ठीक है, ये उनको लोकेशन प्रोवाइड करती है। इसके अलावा कुछ चीजों को ये क्रॉस होने देती है सेल से और कुछ को नहीं होने देती। नेक्स्ट राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स हैं ये साइट ऑफ ट्रांसलेशन होते हैं। ठीक है, प्रोटीन सेंसेस में हेल्प करते हैं। ठीक है, और केमिकल कंपोजिशन की अगर बात करें तो ये आरएनए एंड प्रोटीन इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि इंक्लूजन्स होते हैं सेल के अंदर, बैक्टीरियल सेल। तो इंक्लूजन्स क्या करते हैं, बेसिकली ये न्यूट्रिएंट्स रिजर्व्स का काम करते हैं। ठीक है, और केमिकल कंपोजिशन में ये हाईली वेरिएबल होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, ये सब इसमें मिक्सचर इसका प्रेजेंट होते हैं, इंक्लूजन उसके बने होते हैं। नेक्स्ट हम क्रोमोसोम्स की अगर बात करें तो क्रोमोसोम जेनेटिक मटीरियल ऑफ सेल होते हैं और केमिकल कंपोजिशन इनकी डीएनए होती है। फिर एक स्ट्रक्चर हमने देखा था कि प्लाज्मिड भी प्रेजेंट है। प्लाज्मिड जो है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटीरियल होता है जिसकी केमिकल कंपोजिशन जो है वो डीएनए होती है। इस स्लाइड में हम देख लेते हैं कि डिफरेंट किस्म के पार्ट्स उसने शो किए हुए हैं बैक्टीरियल सेल के। सबसे पहले ग्लाइको कैलिक्स है। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स में हमने कहा था कैप्सूल एसोसिएटेड होता है ये। ठीक है, और ये प्रोटेक्ट करता है, एडहेशन में हेल्प करता है। ठीक है, और एज रिसेप्टर फंक्शन भी ये काम कर रहा होता है। नेक्स्ट हमने कहा कि बैक्टीरियल क्रोमोसोम और न्यूक्लियाइड जो है ये बेसिकली एक लार्ज डीएनए मॉलिक्यूल्स जहाँ पे पैकेट की सूरत में कंडेंस हुए होते हैं। ठीक है, और ये हमारी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को स्टोर किए होता है। फिर नेक्स्ट जो है ये आपको विलस नजर आ रहा है। विलस जो है ये इलोंगेटेड होता है और ये ट्रांसफर ऑफ डीएनए में हेल्प कर रहा होता है और एडहेजन टू अदर सेल। फिर नेक्स्ट ये मीजोसोम्स हमने कहा था। मीजोसोम जो है ये सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इंक्रीज सरफेस एरिया ये करते हैं, लेकिन जो बेसिकली इनका काम है जो डिवीजन होती है हमारे सेल्स की उसमें ये हेल्प करते हैं और डीएनए जो है उसकी रेप्लिकेशन में भी मीजोसोम्स हेल्प कर देते हैं। नेक्स्ट फ्लैजिलम है। ये स्पेशलाइज्ड अपेंडिक्स होती है अटैच सेल के साथ। ठीक है, इसकी बेसल बॉडी होती है। ठीक है, लॉन्ग रोटेटिंग फिलामेंट होता है जो कि सेल्स की मूवमेंट में हेल्प कर रहा होता है। नेक्स्ट फिर ये फेम्ब्रिया इसने शो किए हैं। फेम्ब्रिया जो है फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, जो एडहेजन्स में मोस्टली हेल्प कर रहे होते हैं। फिर इसने ये इंक्लूजन्स दिखाए हैं। इंक्लूजन्स जो है ये न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करते हैं बेसिकली, जिसमें फैट्स आ जाते हैं, फॉस्फेट है, ग्लाइकोजन है। ठीक है, इस सब की स्टोरेज में इंक्लूजन्स हेल्प कर रहे होते हैं। फिर सेल वॉल है। सेल वॉल क्या करती है, स्ट्रक्चर सपोर्ट देती है सेल को। फिर नेक्स्ट सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन जो है ये लिपिड एंड प्रोटीन्स की बनी होती है जिसमें जिसके अंदर जो है साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, जो कि फ्लो ऑफ मटेरियल को कंट्रोल कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट इसने राइबोसोम्स दिखाए हैं। राइबोसोम्स क्या है, ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं और आरएनए के बने होते हैं। ठीक है, और ये प्रोटीन सेंसेस में रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो ये सारा सेल स्ट्रक्चर दिखाया गया है, इसके डिफरेंट जो पार्ट्स हैं इसके फंक्शन भी इसमें बताए गए हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम जरा और डिटेल में देखेंगे वन बाय वन की ये बेसिकली हैं क्या और इनके फंक्शंस क्या हैं। सबसे पहले अगर बात करें कैप्सूल की, तो कैप्सूल जो है 0.2 माइक्रोन थिक होता है। ठीक है, विस्कस आउटर लेयर और सेल वॉल होती है ये। 98% वाटर का बना होता है ये। ठीक है, इसमें प्रेजेंट होता है और 2% इसकी कंपोजिशन पॉलीसेक्राइड और ग्लाइकोप्रोटीन, या इसमें दोनों जो है पॉलीपेप्टाइड और ग्लाइकोप्रोटीन जो है दोनों प्रेजेंट होते हैं।
टू टाइप्स ऑफ कैप्सूल होती है, मैक्रो कैप्सूल और माइक्रो कैप्सूल। मैक्रो कैप्सूल की अगर बात करें तो इसकी थिकनेस जो है वो 0.2 माइक्रोन होती है या इससे ज्यादा होती है, जिसको हम लाइट माइक्रोस्कोप के साथ भी देख सकते हैं। माइक्रो कैप्सूल जो है इसकी थिकनेस 0.2 माइक्रोन से कम होती है, ठीक है, और इसको सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। और इसके अलावा ये विरुलेंस फैक्टर भी है बैक्टीरिया का, इसके विरुलेंस जो उसकी डिजीज कॉज करने उसमें भी ये हेल्प कर रहा होता है, बाय अटैचमेंट बाय अदर बाय प्रोवाइडिंग रिसेप्टर्स। फिर फंक्शन क्या है, अटैचमेंट करता है, प्रिवेंट करता है सेल को ड्राइंग से, डेलिकेशन से, ठीक है। फिर वही बात जो पहले मैंने बताई कि कैप्सूल जो है रेजिस्ट करता है फैगोसाइटोसिस को बाय वाइट ब्लड सेल्स। फिर फ्लैजिला है, फ्लैजिला 15-20 नैनोमीटर लॉन्ग होते हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं ये, और फ्लैजिन प्रोटीन का बना होता है ये, इसको एच एंटीजन भी कहते हैं, जो इसका फ्लैजिला होता है इसको एच एंटीजन भी कहते हैं। फ्लैजिला जो है इसकी 3 पार्ट्स होते हैं, बेसल बॉडी होती है, ठीक है, हुक होता है और फिलामेंट होते हैं, और फंक्शन इसका मोटिलिटी में ये हेल्प कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है टाइप्स ऑफ फ्लैजिला। टाइप्स ऑफ फ्लैजिला की अगर बात करें तो 4 टाइप्स ऑफ फ्लैजिला होती हैं, ठीक है, जिसमें मोनोट्राइकस होते हैं, लोफोट्राइकस होते हैं, एम्फीट्राइकस होते हैं, पेरिट्राइकस होते हैं। मोनोट्राइकस फ्लैजिला जो है ये जब सिंगल फ्लैजिला एक एंड पे प्रेजेंट होता है तो उसको हम कहते हैं मोनोट्राइकस फ्लैजिला, ठीक है, सिंगल फ्लैजिला जब एक एंड पे प्रेजेंट होता है उसको मोनोट्राइकस फ्लैजिला कहते हैं। एग्जाम्पल इसकी विब्रियो कॉलरा है, सुडोमोनास एरिडोसा, ये बैक्टीरिया के नाम है। सेकेंड जो है वो लोफोट्राइकस है, इसमें क्या होता है कि एक एंड पे, जैसे कि ये हमने लास्ट पिक्चर देखी थी इसमें, ठीक है, इसमें हमने क्या देखा कि एक एंड पे सिंगल फ्लैजिला है, तो ये क्या है मोनोट्राइकस फ्लैजिला, ठीक है। अगर जब हम कहेंगे कि लोफोट्राइकस है तो उसमें ये बंडल ऑफ फ्लैजिला एक एंड पे, यहाँ पे 5, 6, 7, 8 इस तरह फ्लैजिला अराइज हो रहे होंगे, तो इसको कहते हैं लोफोट्राइकस, यानी बंडल ऑफ फ्लैजिला इन वन एंड ऑफ सेल। एग्जांपल इसकी सुडोमोनास फ्लोरिसेंस है। थर्ड जो है वो एम्फीट्राइकस फ्लैजिला है। एम्फीट्राइकस फ्लैजिला क्या होता है, जिसमें सिंगल फ्लैजिलम और क्लस्टर ऑफ फ्लैजिला बोथ एंड्स पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। मोनोट्राइकस में सिंगल फ्लैजिलम वन एंड पे, लोफोट्राइकस में बंडल ऑफ फ्लैजिलम वन एंड पे, एम्फीट्राइकस में क्या होगा सिंगल या दोनों साइड पे सिंगल फ्लैजिला होगा या बंडल ऑफ फ्लैजिला क्लस्टर ऑफ फ्लैजिला दोनों एंड्स पे होंगे, उसको हम कहेंगे एम्फीट्राइकस। एग्जांपल इसकी एक्वस स्पाइरिलम है। फिर नेक्स्ट है पेरिट्राइकस फ्लैजिला। पेरिट्राइकस फ्लैजिला क्या होता है, जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट हो ऑल ओवर दिस सेल सर्फेस, ठीक है, उसके पूरे उसने कवर किया हो फ्लैजिला ने उसको, जो सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। एग्जांपल इसकी इकोला है, साल्मोनेला है, क्लेब्सिला है। यही वजह है कि ये पैथोजेनेसिस बैक्टीरिया की ज्यादा होती है, मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेजी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है पिलाई और फिम्ब्रियाई। पिलाई जो है ये होलो फिलामेंटस एंड नॉन हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, ये शॉर्टर देन फ्लैजिला होते हैं, और ये करेक्टरिस्टिक फीचर है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का। जो पिलाए है ये करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का। पिलियन प्रोटीन है इसके, ये बने होते हैं। फिर वो बैक्टीरिया जिनमें पिलाए प्रेजेंट होते हैं उनमें शेजीला है, प्रोटियस है, सीरिया गोनोरिया है एंड इकोलाई। फंक्शन इसके क्या होते हैं, अटैचमेंट में हेल्प कर रहा होता है ये, ठीक है, मोस्ट ऑफ ह्यूमन पैथोजन रेस्पिरेटरी ट्रैक, यूरिनरी ट्रैक, ठीक है, ये जो सरफेस से हमारे अटैच होते हैं ये पिलाई के जरिए अटैच होते हैं, जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के बैक्टीरिया या यूरिनरी ट्रैक के बैक्टीरिया। पिलाई जो है एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज होती है इनमें, ठीक है,
स्पेशलाइज फंक्शन इसका ये होता है कि सेक्स पिलस के तौर पे काम कर रहे होते हैं, जिसे एफ पिलाई भी कहते हैं। ये क्या करता है, डीएनए की ट्रांसफर में फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट सेल, ये दो बैक्टीरिया की कंजुगेशन होती है तो उसमें ये ट्रांसफर ऑफ डीएनए मटेरियल में हेल्प कर रहा होता है। और ये आल्सो एक्ट एज रिसेप्टर फॉर बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज जो होते हैं उनके लिए भी एज रिसेप्टर, यानी जब वो वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं ठीक है, उनके साथ ये जो है एज ए रिसेप्टर एक्ट कर रहा होता है, उनकी अटैचमेंट में हेल्प कर रहा है। फिर सेल वॉल की अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, ये शेप देता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को। टू मेजर ग्रुप्स ने ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव सेल वॉल में इसको डिवाइड किया जाता है। ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल की अगर बात करें तो इसमें पेप्टाइडोग्लाइकोन होंगे, लिपिड होंगे, डिवाइड कैसे होगा। जबकि ग्राम नेगेटिव सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन होगा, उसके साथ आउटर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। फिर पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन बेसिकली ग्लाइकेन बैकबोन होती है ठीक है। रिपीटेड यूनिट्स में प्रेजेंट होते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन एंड एन एसिटाइल यूरेमिक एसिड के। और जो ग्लाइकेन बैक होना है, ये आप इसमें लिंक जो होते हैं ये पेप्टाइड बॉन्ड्स के जरिए आप इसमें लिंक होते हैं। और ग्राम पॉजिटिव में ये थिक होती है, ग्राम नेगेटिव में ये थिन होती है, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। टिकॉइक एसिड वाटर सॉल्युबल पॉलीमर होता है ग्लिसरॉल का ठीक है, ये रैबिडॉल फॉस्फेट की इसकी जो है कंपोजिशन होती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट होता है ठीक है। और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का मेजर सरफेस एंटीजन के तौर पे एक्ट करता है। फिर नेक्स्ट आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन जो है ये एडिशनल लेयर है जो सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है ठीक है। लिपोपॉलीसेकेराइड इसकी कंपोजिशन होती है। लिपोपॉलीसेकेराइड अब क्या चीज है, ये लिपिड ए और पॉलीसेकेराइड का बना हुआ है ठीक है। इसकी कंपोजिशन जो है, लिपिड ए जो है ये फॉस्फोरिलेटेड ग्लूकोसामिन डाइसेकेराइड है और ये एंटीजेनिक होता है, जबकि पॉलीसेकेराइड जो है ये कोर पॉलीसेकेराइड होता है एंड ओ पॉलीसेकेराइड इसमें बोथ इसमें प्रेजेंट होते हैं इसकी कंपोजिशन। फिर नेक्स्ट सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन जो है इनर लेयर है ठीक है, जो इनसाइड की सेल वॉल प्रेजेंट होती है और इसने कवर किया होता है पूरे साइटोप्लाज्म को। इसको इसलिए साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। 80 नैनोमीटर थिक होती है ये। और सेल मेम्ब्रेन जो है बैक्टीरिया की ये फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन की बनी होती है। इसके क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल है ठीक है, सिलेक्टिव सब्सटेंसेस शुगर अमाइनो एसिड वगैरह भी ये क्रॉस करने देती है, बाकी जो होते हैं उनको ये स्टॉप कर लेती है। नेक्स्ट न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सेल है ठीक है, कंट्रोल्स करता है ये, डायरेक्ट करता है सेलुलर एक्टिविटीज को और हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन जो है हमारी वो स्टोर कर रहा होता है। बैक्टीरियल न्यूक्लियस जो होता है इसको न्यूक्लियोइड भी कहते हैं, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियोप्लास्ट नहीं होता ठीक है, और न्यूक्लियोलस नहीं होता। बैक्टीरियल डीएनए नेगेटिव होता है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन जो है वो बहुत कम होती हैं। फंक्शन इसका क्या होता है, ये स्टोर करता है हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को और कंट्रोल करता है ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल्स को। फिर नेक्स्ट बात करें राइबोसोम्स की, तो राइबोसोम जो है बैक्टीरिया राइबोसोम जो है 70S टाइप होते हैं ठीक है, ये राउंडेड ग्रैन्यूल्स होते हैं ठीक है, फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं साइटोप्लाज्म में, और इसको यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल्स भी कहते हैं ठीक है, क्योंकि ये बैक्टीरियल सेल में भी प्रेजेंट होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स में भी ये। केमिकली जो है राइबोसोम जो है ये न्यूक्लिक एसिड के ही बने होते हैं, जिसमें आरएनए एंड प्रोटीन इन नेचर होते हैं। ये फंक्शन इसका क्या है, ये प्रोटीन सेंसेस में हेल्प कर रहे होते हैं। नेक्स्ट मीजोसोम्स है, मीजोसोम स्फेरिकल राउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ज्यादातर प्रेजेंट होता है।
ये साइट ऑफ रेस्पायरेशन होता है फॉर बैक्टीरियल सेल। इसके अलावा ये डीएनए रेप्लिकेशन में भी मीजोसोम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। साइटोप्लाज्म की अगर बात करें, ये कलरलेस होता है, विस्कस फ्लूइड होता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन इनक्लोज किया होता है इसको। और जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, इंक्लूजन हैं जो हमने डिस्कस किए, वो साइटोप्लाज्म में फोल्ड करे होते हैं, जिसमें प्रोटीन्स होती हैं, लिपिड्स, मिनरल्स, न्यूक्लिक एसिड, ग्लाइकोजन, वाटर वगैरह। फिर फंक्शन इसका क्या है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर करता है, ऑक्सीजन करता है, और डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स सब्सटेंसेस जो होते हैं उसकी थ्रू आउट द सेल, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है स्पोर है, स्पोर मेटाबॉलिक डॉर्मेंट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और अनफेवरेबल कंडीशन में ये बन जाते हैं। जब लॉग फेज आती है, जो हम फेसेस पढ़ेंगे आगे, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और डेथ फेज, जो ग्रोथ की फेजेस होती हैं बैक्टीरिया की, तो जो लॉग फेज होती है जिसमें सेल की डिवीजन हो रही होती है, ठीक है, उसमें ये स्पोरुलेशन होती है, या तो उसके बाद जो स्टेज होती है स्टेशनरी फेज, उसमें भी ये स्पोर्स बन रहे होते हैं, ठीक है। फिर जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो इसमें से वेजिटेटिव सेल्स निकलते हैं।